हम सोचते थे कि दादी जी के लिए कहा जाता है, दादी जानकी जी के लिए, कि वो अचानक भी कहीं बाबा का झंडा देखते हैं तो वो उस झंडे को क्रॉस नहीं करके जाते हैं और बाबा के घर में ज़रूर पहुंचते हैं। तो हमारे मन में ये संकल्प चला कि कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे साथ भी होगा कि दादी जी अचानक हमारे पास पहुंचे। तो ये बात 2017 की है, जब दादी जी पानीपत ज्ञान मानसरोवर में आ रहे थे तो हमारे करनाल से ही वो रोड जो है, एयर पट्टी जहाँ पर है, वहाँ से दादी जी को निकलना था और सेंटर ऑन द रोड है। तो हम सभी ने योग किया कि दादी जी हमारी माँ हैं और हमारी माँ हमें छोड़ करके इस रोड से सीधा नहीं जा सकती हैं और दादी जी नहीं जाएंगी। ऐसा विचार करते हुए हमने बहुत बाबा को याद किया और दादी जी का आवाहन किया और सोचा कि दादी जी को आना ही चाहिए सेंटर पर। तो जिस दिन दादी जी पहुँचने वाले थे तो मैं वहाँ एयर पट्टी पर दादी जी के वेलकम के लिए गई और साथ में ही बहनों को कहा कि दादी जी जब यहाँ निकलेंगे तो आपको रोड पर खड़े होना, केवल 10 कदम की दूरी पे सेंटर है मेन रोड से। तो सभी बहनें, मैंने वहाँ से जैसे दादी निकले तो फ़ोन किया कि दादी जी निकल रहे हैं, आप सभी रोड पर पहुँच जाओ। और जैसे ही बहनें वहाँ पहुँची तो बात तो हो गई भाई साहब से, मीरचंद भ्राता जी से, तो दादी निकलेंगी, लेकिन एक होटल में दादी जी के लिए उन्होंने स्टे का रखा था कि स्काईलार्क होटल है मेन जीटी रोड पे, वहाँ दादी ब्रेक करेंगी। लेकिन होता क्या है, जैसे ही दादी जी उस रोड पर पहुँचे जो सेंटर के बिल्कुल सामने मुड़ती हैं, तो सेंटर के बिल्कुल दूसरी साइड में एक स्कूल है, उसकी बसेस क्रॉस होने के लिए सड़क पर आ गई और दादी जी की गाड़ी बिल्कुल सेंटर की रोड के सामने रुक गई। और दादी जी ने देखा 10-15 बहनें खड़ी हैं, तो दादी जी ने तुरंत पहुंचा, सेंटर है? तो जो भाई बीच में बैठे थे उन्होंने बोला दादी हाँ। दादी ने कहा गाड़ी मोड़ो। तुरंत दादी ने उस गाड़ी को मुड़वाया और हमसे पहले दादी सेंटर पहुंच गए और हम इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, हमारे मन से मतलब ऐसे निकला कि सचमुच में बाबा ने हमारी आवाज़ को सुना, दादी जी ने हमारी उस सच्ची पुकार को सुना और दादी हमसे पहले सेंटर पर पहुंचे। और दादी कुछ क्षणों के लिए ही भले रुके, लेकिन दादी जी के कदम वहाँ पड़े और हम सोचे कि दादी फर्स्ट समय अचानक बाबा के इस घर में आई हैं, हम क्या करें क्या करें। तो वो भाई जो साथ थे वो कहे तुम आओ दादी से मिलो। और फिर फटाफट हमने देखा कि क्या किया जाए। दादी जी बाबा रूम में गए, कमरे में गए, यहाँ वहाँ सब जगह दादी ने बहुत नज़र घुमाई और दादी ने कहा मैं ऊपर भी चलूँगी, हॉल कहाँ है, ऊपर है। लेकिन उन्होंने कहा सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे। जब दादी जी जा रहे थे पानीपत के लिए तो दादी जी जैसे ही गेट पर खड़े थे तो हंसा बहन ने बोला दादी देखो बाबा का घर देखो, दीदी से मिलो। दादी इतने प्यार से, जैसे दादी बाबा से माथे से माथा मिलाकर मिलते, ऐसे प्यार से दादी मेरे साथ मिले और अपने उन वाइब्रेशंस को दिया। तो मैंने जब पूछा भाई साहब से, भारतभूषण भाई जी से, कि दादी वापसी भी इधर से आएंगे, तो उन्होंने बोला नहीं, दादी को तो दिल्ली जाना है और दिल्ली से दादी उधर जाएंगे बाय रोड। तो हमें लगा कि शायद चलो ऐसा ही होगा। लेकिन दादी जब जा रहे थे, मुझे मिल रहे थे, तो दादी ने बोला मैं फिर से आऊंगी। अब मुझे संकल्प चला दादी फिर से कब आएंगे। तो जैसे ही अगले दिन संडे था और सुबह हम मुरली क्लास में थे तो हंसा दीदी का फोन आता है कि दादी आपको बुला रही हैं, आप जल्दी से पानीपत पहुंचो। तो मैं सुबह क्लास में से ही पानीपत गई तो दादी जी के फिर से वापसी का वो प्रोग्राम बना। तो कैसे दादी जी ने अपने उस संकल्प को फिर से पूरा किया और दादी जी आए। तो जब दादी जी आए तो हम देखते हैं कि थोड़ा तैयारी जो थी, तब तो हमें पता था दादी आने वाले, पहले तो पता ही नहीं था वो अचानक आए। तो जब दादी जी फिर से आए तो हमने पकोड़े बनाए, लेकिन वो पकोड़े दादी जी ने इतने प्यार से हम सभी बहनों के मुख में डाले कि वो हमारे लिए दादी जी का एक यादगार बन गया। और हम जो सोचते थे कि दादी जी हमारे पास कब और कैसे आएंगे, क्योंकि हम कैसे बुला सकते हैं दादी को, तो ये दादी जी का अचानक आना, मैं समझती हूँ कि हमारा परम सौभाग्य है कि हम दादी जी को उस बाबा के घर में देख पाए और मिल पाए। पुनः दादी जी वहाँ पधारे और बहुत सुंदर हम सभी को वो दादी जी का वाइब्रेशन मिला। कोने कोने में दादी जी की यादें आज समाई हुई हैं जो हमारे दिल में सदा ताजा रहती है।
हम अपने परम आदरणीय दादी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि ये हमारे बड़े हैं जिनके अंदर ये इतना निर्माणता का गुण है जो हम सभी को सीखने के लिए बनता है।